हम पहले अपने इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। ये है मेरे पास परवल, ओके। देन ये मेरे पास है ग्रेटेड खोआ, देखिए, कुछ पाउडर शक्कर। ये है मेरे पास चॉप्ड नट्स। ये है मेरे पास शुगर। देन ये मैंने कार्डमम ले लिया है, ओके। एंड देन ग्रीन फूड कलर। तो चलिए मैं आपको ये अभी कट करना सिखाती हूँ, इसको कैसे हमें कट करना है। विल जस्ट ब्रेक इट फ्रॉम हियर एंड देन यू विल जस्ट पील इट। तो चलिए अब हम परवल में स्लिट लगाएंगे। मैं दो कट करूंगी एंड देन मैं ऊपर से उसे निकाल दूंगी। फिर मैं चाकू की मदद से उसे धीरे धीरे हल्के हाथों से डिसीड करने की कोशिश करूंगी। ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाइएगा। अब ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो परवल कट जाएंगे और हमें कटे हुए परवल नहीं चाहिए। तो मैं अपनी फिंगर की मदद से जितना हो सके सारे सीड्स निकालने की कोशिश कर रही हूँ। ध्यान रखिएगा इस टाइम पे हमें बहुत आराम से काम करना है। अगर हम जल्दबाजी में इसे करेंगे तो हमारे परवल टूट जाएंगे और हमें टूटे हुए परवल नहीं चाहिए, अदरवाइज़ हम उसमें स्टफिंग नहीं कर पाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप हमें परवल को बॉयल करना है, जिसके लिए मैं पानी गर्म करने के लिए चढ़ाती हूँ। तो देखिए हमारा पानी उबल चुका है। मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी स्टार्टिंग में, हम इसमें एक चुटकी बेकिंग सोडा डालेंगे। बेकिंग सोडा हम इसलिए डालेंगे सो डेट परवल का जो कलर है वो मेंटेन रहे। तो मैं वो आपको बताना भूल गई थी, मैंने आपको ये बता दिया है तो आप भी ना भूलें इसे। तो जब पानी उबल जाए तब हम उसमें एक चुटकी सोडा डालेंगे। उसके बाद में मैं सिर्फ 3 मिनट के लिए परवल को उबालूँगी, याद रहे 3 मिनट के लिए, 3 मिनट से ज़्यादा हमें उबालना नहीं है। तो 3 मिनट हो चुके हैं, चलिए हम अपने परवल को निकाल देते हैं। अब मैं एक छन्नी की मदद से परवल को एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर दूंगी। तो परवल की मिठाई बनाने के लिए हम नेक्स्ट स्टेप जो करेंगे वो है हम शुगर सिरप बनाएंगे, जिसके लिए मैंने 1 कप शुगर लिया है। इसे हमें अच्छे से मेल्ट करना है, जब तक शुगर डिज़ोल्व ना हो जाए तब तक हमें इसे उबालना है। तो शुगर उबल चुका है, चलिए अब हम इसमें ग्रीन फूड कलर ऐड करते हैं। अब मैं सारे परवल इसमें ऐड कर दूंगी। हमें सारे परवल को 15 मिनट तक ही पकाना है, इससे ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे। ग्रीन फूड कलर डालने का ये रीज़न है कि इससे एक बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा, जिससे हमारी मिठाई की और खूबसूरती बढ़ जाएगी। तो 15 मिनट हो चुके हैं और मैं गैस करती हूँ बंद, और इसी सिरप में परवल को 15 से 20 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रखूँगी। तो देखिए परवल ठंडे हो चुके हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट भी हो चुके हैं। तो मैं किसी स्ट्रेनर की मदद से इन सारे परवल को अलग कर दूंगी, उसी पोजीशन में रखूँगी जहाँ से मैंने स्लिट किया है, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा सिरप हो वो इनमें से निकल जाए और हमें स्टफिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम फटाफट इन्हें अलग कर देते हैं। तो जब तक हमारा परवल ठंडा हो रहा है तब तक हम स्टफिंग की तैयारी करते हैं। तो मैं डालूंगी 1 कप खोया,
खोया को हमें अच्छे से भुनना है। अच्छे से मिलाऊंगी बिल्कुल मैं, जब तक इसमें से घी ना निकले। देखिए घी निकलना स्टार्ट हो गया है, तो जैसे जब घी निकल जाए तो समझ जाएगा कि हमारा जो खोया है वो भुन चुका है। खोया के भुनते ही हम बंद कर देंगे अपना चूल्हा। तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया, अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी नट्स। अब मैं इसमें कुछ पाउडर शुगर ऐड करूंगी, आपका जो टेस्ट है उस हिसाब से आप डालिएगा। अच्छे से मिक्स करना है हमें इसे। तो अब हम इसमें एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए इलायची डालेंगे। थोड़ा सा मिक्स कीजिए और हमारी स्टफिंग तैयार है। तो चलिए अब हम स्टफिंग की तैयारी करते हैं। आप देख सकते हैं मेरे जो परवल है बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, एकदम ट्रांसपेरेंट दिख रहे हैं। तो मैं एक परवल उठाऊंगी और इसमें मैं मावा भरूंगी। ये बिल्कुल हल्के हाथों से हमें करना है, बिकॉज हमारे परवल ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं, तो हमें ये बिल्कुल हल्के हाथों से करना है। फ्रेंड्स आप इस मिठाई को ज़रूर बनाइएगा, बिकॉज ये बहुत टेस्टी होता है, प्लीज़ बिलीव मी। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं और आप इसे बनाएंगे और वो इसे खाएंगे तो वो आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे। तो अब हम इसमें एक्स्ट्रा टॉपिंग के लिए कुछ नट्स डालेंगे। आपके पास जो भी अवेलेबल नट्स हो आप वो से डालिए। फ्रेंड्स मैंने जो अब नट्स है बहुत मोटे कट कर दिए, बहुत गंदे लग रहे हैं, बट आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। तो देखिए मैंने इस तरह से अपनी परवल की मिठाई रेडी कर ली है। मैं बाकी भी सारी तैयार कर लेती हूँ।